नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो तक के सभी व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं वान्या आर्या आज आपसे बात करूंगी आने वाली चैत्र नवरात्रि पर कुछ खास उपायों की, कुछ ऐसे उपाय जो आपकी लाइफ के काफ़ी एरियाज में काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। फिर चाहे वो आपकी ज़िंदगी के फिनेंशियल इश्यूज़ हों, चाहे वो आपकी लाइफ के रिलेशनशिप इश्यूज़ हों, या फिर किसी भी प्रकार के हेल्थ इश्यूज़ हों। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो रही है। ये बहुत ही खास नवरात्रि है क्योंकि साल की में चार बार नवरात्रि होती है। वैसे तो दो बार आपके गुप्त नवरात्रि होती है, दो बार आपके मेन नवरात्रि होते हैं। तो इन दिनों में अगर आपने देवी को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि इस टाइम पर जो होती है मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, चारों तरफ एनवायरनमेंट के ऑरा में ऊर्जा जो होती है वो देवी की ऊर्जा होती है, बहुत हाई चांसेस होते हैं कि जो भी हम जाप करते हैं, जो भी हम जप करते हैं, तप करते हैं, उसका फल कई गुना इन नवरात्रि में मिलता है। जितना आप देवी को प्रसन्न करेंगे, देवी के उतने आशीर्वादों की प्राप्ति हमें जीवन में होगी। तो जल्दी से बात करते हैं कुछ खास महा उपायों की जो आप इन नवरात्रि में कर सकते हैं। सबसे पहले इन नवरात्रि में आप जो है हनुमान जी को पान का बीड़ा जो है वो आप अर्पण करें। जैसे आप अपनी नवरात्रि करते हैं, 9 दिन आपने व्रत करना है, आप कर सकते हैं। आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग होगी और आप और ज़्यादा हेल्दी होंगे। आप मेडिकल इश्यूज़ से अगर गुजर रहे हैं तो आपके लिए एक्सेप्शंस हो सकती हैं, आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसके अलावा आपने कलश स्थापित करना है, घी या तेल का दिया सुबह शाम आपको देवी के आगे जलाना है। शाम को लौंग कपूर का धुआं जो है आप पूरे घर में जो है लौंग कपूर का धुआं कर सकते हैं। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जाएं भी कम होंगी। लाल रंग का प्रयोग अगर आप करते हैं 7 डेज जितना आप कर सकते हैं, मैक्सिमम आप रेड कलर को जो है, क्योंकि लाल जो होता है ऊर्जा का कलर है, देवी का रंग है। लाल हमें जीवन में प्रेम की तरफ ले जाता है और बहुत सारा देवी का आशीर्वाद हमें दिलवाता है। या आप रेड कलर यूज़ करें या फिर आप ग्रीन कलर यूज़ करें। इसके अलावा ताजे पान के पत्ते, सुपारी, सिक्के जो है ये आप माता रानी को चढ़ाएं। आप महालक्ष्मी को इन दिनों में मखाने की खीर भी जो है वो आप चढ़ा सकते हैं, आप या फिर खाली मखाने भी चढ़ा सकते हैं। उसके साथ आप कुछ सिक्के रख सकते हैं। जब आपने भगवान को चढ़ा दिए, उसके बाद उन सिक्कों को जो है आप किसी भी गरीब को जो है दान कर सकते हैं। लाल रंग का झंडा अगर आप देवी पर चढ़ाते हैं या आप हनुमान जी पर चढ़ाते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से आपको मान सम्मान की जो है वृद्धि होती है। आपकी लाइफ में लोग आपको एक रिस्पेक्ट के नज़रिए से जो है जीवन में देखने लग जाते हैं। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। आप लाल झंडा अर्पित कर सकते हैं। छोटी छोटी कन्याओं को जब आप कन्या पूजन करेंगे नौमी वाले दिन या अष्टमी वाले दिन या जो भी आपके रिचुअल्स हैं, आपके घर के रिचुअल्स हैं, छोटी छोटी कन्याओं को लाल रंग के पर्स में आप कुछ दक्षिणा रख के दें, कुछ मीठा रख के दें, कुछ श्रृंगार की वस्तुएं जो हैं वो भी आप छोटी छोटी कन्याओं के लिए रख सकते हैं। ऐसा करने से भी जो है माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। याद रखें, ये जो कन्याएं हैं ये 8 साल से छोटी कन्याएं होनी चाहिए। इसके अलावा जो है स्वस्तिक हो गया, ओम हो गया, गोमती चक्र हो गए, पीली कोड़ी हो गई, कोई भी आपके पास सोना जो है, चांदी, ये जो टाइम होता है जैसे हम अपने क्रिस्टल्स को चंद्रमा में चार्ज करते हैं फुल मून के टाइम पर, ये टाइम होता है अपने यंत्रों को चार्ज करने का। चाहे वो श्री यंत्र हो आपके पास, जो भी आपके पास ज्वेलरी जो भी है, जो भी आपको जो भी चीज़ों को आपको तिजोरी में रखना है, कलश है, दीपक आपको नियमित जलाने हैं, जल्दी उठना है, स्नान करना है, घंटी, गरुड़, पात्र, कमल, त्रिशूल, ये सब आपको मंदिर में रखने हैं, देवी के आगे रखने हैं। उन चीज़ों को आपको जो है चार्ज करना है और वो चार्ज करके आप लाल रंग के कपड़े में बांध कर जो है आप लॉकर में रख सकते हैं। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती का पाठ संकल्प के साथ करें, पूरा एक ही दिन में उसे कंप्लीट करें। सुबह जल्दी उठें, 4 बजे आप उठ सकते हैं,
स्नान करें और एक ही गो में, मतलब सिंगल टाइम में आप उस पाठ को जो है पूरा करें। ऐसा करने से देवी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और आपको माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। क्षमा याचना करना बिल्कुल भी ना भूलें। कुछ भी धन संबंधी अगर आप फेस कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है आप श्री सूक्त का पाठ करें। इन दिनों जितनी भी महिलाएं हैं, जो भी आपकी मदर है, जो भी आपकी मदरली फिगर्स हैं, जो भी उस एज ग्रुप की हैं, उनके आप खास पैर छूकर आशीर्वाद लें। अगर आप मंदिर जाते हैं, आपको कोई भी माता तुल्य या आप कोई भी उस एज ग्रुप का अगर आप मिलता है तो आपको जो है उनके पैर ज़रूर छूने हैं, उनका आशीर्वाद लेना है। देवी को साक्षात दंडवत करके प्रणाम करें। थोड़ी देर मंदिर में बैठें, देवी के सामने बैठें, वाइब्रेशन लें, माता रानी की वाइब्रेशन लें, फील करें कि माता रानी बिल्कुल आपके साथ है, आपका हैंड होल्डिंग उन्होंने करा हुआ है। तो इस तरह से आप नवरात्रि एक इमोशन है, नवरात्रि एक वाइब्रेशन है जिसे आप फील करें और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस और पॉजिटिव चीज़ें लेके आएँ। जो भी मंगल कार्य आप करना चाहते हैं वो आप खास तौर पर जो है नवरात्रि के दौरान कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें करके आप अपनी लाइफ में खुशहाली लाएं। आपकी होस्ट वाणी आर्या साइनिंग ऑफ। लव यू ऑल। नमस्ते। गॉड ब्लेस यू ऑल। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दु भाग् भवेत्। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।